हेलो फ्रेंड्स, फोटोशॉप ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये फोटोशॉप का पार्ट 16 वीडियो है, जिसमें हम लोग डॉज टूल एंड बर्न टूल एंड स्पॉन्ज टूल के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मेरे पिछले वीडियो आप तक नहीं पहुंची है या आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे वीडियो को देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप फ़ोटो को इंपोर्ट कीजिए डबल क्लिक करके, और कोई सा भी एक आप फ़ोटो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं ये फ़ोटो ले रहा हूँ और इसको आप थोड़ा जूम कर लीजिए। जैसे आप कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये जूम आपको दिखने लगेगा इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके इस टूल के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डॉज टूल। तो डॉज टूल का क्या काम है तो हम बता दे रहे हैं कि डॉज टूल जैसे कि चेहरा या कोई भी बॉडी पार्ट आपको वाइट करने के लिए ये किया जाता है। जिस तरह देखिए, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए डॉज टूल को, यहाँ पे आके इस तरह आप चलाइए। तो आप हल्का हल्का चलाइएगा तो देखिए शार्पनेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरह देखिए इसके चेहरा पर आप देखिए ये वाइट हो गया हल्का। तो ये आपके हिसाब से किया जाता है, जिस तरह से किसी को पता ना चले। देखिए आप किसी भी चीज़ को आप इस तरह से जैसे आप वाइट कर दीजिएगा, देखिए ये वाइट आपको देखने को मिल गया। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद ये आपको डॉज टूल के बारे में पता चल गया कि ये आपके चेहरे को वाइट करता है। अब जानते हैं बर्न टूल बेसिकली बालों पे इसका उपयोग किया जाता है काला करने के लिए। जैसे देखिए इस तरह आप बालों पर चलाइएगा तो देखिए ये काला कर दे रहा है। देखिए इस तरह देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह आपको ये काला कर देगा। तो ये बालों पे भी चलाया जाता है, या आप बालों को अपने पर चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने फ़ोटो को इस तरह आपको इधर से आप जूम कर लीजिए इस तरह, और आप फिर सेलेक्ट कीजिए और इसको आप छोटा कर लीजिए इस तरह, और इस तरह आप चलाइए देखिए इस तरह, और फिर आकर आप यहाँ से इस तरह चलाइए। आप यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा तो ये आपको ज़्यादा दिखेगा इस तरह, और फिर आकर आप इसको चलाइए इस तरह चलाइएगा तो देखिए इस तरह काजल इस तरह आपको ये बन गया। आप काजल भी करना चाहते हैं तो आप काजल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए इसको आप और छोटा करना होगा, उसके बाद इस तरह आप इसको चलाइए इस तरह, देखिए इस तरह आप इसको चलाइए। जैसे मैं इसको चला रहा हूँ देखिए इस तरह, और फिर आप इसको छोटा कर लीजिए इस तरह। तो देखिए आपको ये आपको देखने को ऐसा मिल रहा है। अब जानते हैं स्पॉन्ज टूल के बारे में। तो बता दूं कि स्पॉन्ज टूल चेहरा को सावला करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जिस देखिए हम इस पे चेहरा को इसको चला रहे हैं इस स्पॉन्ज टूल को, तो देखिए आपका चेहरा सावला हो गया। देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसका चेहरा सावला हो गया। देखें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका यही उपयोग होता है जनरली, और हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे जब इसको प्रोजेक्ट में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।